आपण प्रश्न मोर उत्तर कार्यक्रम को आपण को आउ थरे स्वागत। आपण प्रश्न पचारंतु एवं सटीक वैषयिक ज्ञान कौशल पाँतु। मु अरविंद साहु कृषिविद कृषि सम्पदा कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत। आपण पचार प्रश्नर सटीक उत्तर पाइबापी भिडियो को शेष पर्यटन देखु। जदि आम चैनल कृषि सम्पदा सब्सक्राइब करना तेल एवं ही सब्सक्राइब करनी। आज प्रथम प्रश्न पचार श्री नवकिशोर बेहरा। से पचार चंपा और बंतल कदमी गच मूल क्यों औषध दे गए पोक लगे ना दयाक कहे देखु। आपड़ कदमी चाष कर गूल को सफा रखु, जमी को सफा रखु, जमीन थी अनावना घास को सफा रखु, जो जगार कदमी चाष कर खतकता रखु ना। जदि कौन कदमी गच कौन पोक द्वारा आक्रांत होती से गच को काटि से जमीर अलग कर दिंतु। गच्छ प्रति 250 ग्राम निंब पीड़िया और 40 ग्राम कार्बोफ्यूरान 3G गच्छ मूल प्रयोग करूँ और जलसेचन कर कदमी गचरे पोक लगे ना। द्वितीय प्रश्न पचार श्री अर्मन अर्मन। से पचार सार हाथ में बुणा धान एकर प्रति केते मात्रा धान बिहन बुणिया उचित। देखते आप धान को बुणुं धान बुणिया पूर्व एक के जी बिहन प्रति 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 50% WP विशोधन करूँ कि ट्राइकोडर्मा भिरीडी 1 के जी बिहन प्रति 5 ग्राम विशोधन करूँ। जदि आप धान को धाड़ी बुणुं तेल एकर प्रति 10-15 के जी बिहन दरकार होता है। जदि धान को आप छोटा बुणा करेंगे तेल एकर प्रति 20 के जी बिहन दरकार होता है। बीड़ा समय अधिक धान व अधिक गहरी धान को उपाड़ी करी धान को पतला कर दिं। तृतीय प्रश्न पचार गेम ओभर। जे पचार सार बैगण तैल लगे बेले क्यों सार देवा दरकार अच्छी। देखते आप बैगण तैल लगा पूर्व जमी प्रस्तुत करने समय एकर प्रति 5 मेट्रिक टन सड़ा गोबर खत दिंतु और जमी प्रस्तुत करने समय 5 केजी ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग करूँ। जब ब्लीचिंग पाउडर जमीन प्रयोग करते झाड़ा रोग लगे संभावना टे कम रहा छड़ा मूल सार हिसाब से एकर प्रति DAP 50 केजी पटास 16 केजी और यूरिया सार 25 केजी दिंतु। किदी आम गुंठ हिसाब से कह गुंठ प्रति मूल सार हिसाब से DAP 2 केजी 1 केजी यूरिया एवं 500 ग्राम पटास सार दे तापरे 2 दिन पर तल को लगे पारे। परवर्ती प्रश्न पचार श्री मोहन कुमार नायक। से पचार सार नमस्कार, मु बैगण लगे गोटे सप्ताह हो गला कौन सार प्रयोग करना बर्तमान के सार देवा पड़ो। तेरे देखते आप बैगण लगे कौन सार प्रयोग करना आप बर्तमान मूल सार को प्रयोग करूँ जहाँकि गुंठ प्रति 2 केजी DAP सार, गोटे केजी यूरिया सार और 500 ग्राम पटास सार प्रयोग करूँ। ता छा जब जैविक सार प्रयोग करना जैविक सार बायोजाइम कि सागरिका एकर प्रति 12 केजी कि गुंठ प्रति 500 ग्राम हिसाब से प्रयोग कले गच्छ बहुत भल भाव बढ़ सुस्थ सबल हो बढ़ अमल अधिक दब। परवर्त प्रश्न पचार श्री पवित्र कुमार जेना। से पचार सार नमस्कार, सार कावेरी 468 धान करषा दिने कर बिहन को खरा दिन रखा जा पारा नुआ पैकेट किणाजी। देखो कावेरी 468 एक हाइब्रिड किसम धान, साधारण हाइब्रिड किसम धान अमल होगापर से बिहन रखा जाए ना। जदि आप बिहन रखुंत परवर्त समय आपणकर अमल बहुत मात्रा कमिजी तेणु हाइब्रिड धान अति थर जिते थर चाष करेंगे सेत थर किणवाक पड़ो। जदि आप खरा दिन कावेरी 468 धान को चाष कर चाहते आउ थे नुआ पैकेट किण एवं ताकू चाष करूँ। परवर्त प्रश्न पचार MR ऑफिशियल चैनल। से पचार सार कपा चाषे क्यों औषध मारे कपा को बाजिले भी कपा मरना घास मरीज। देखो कपा फसल जो घास अच्छी आम नियंत्रण करने एपरी घास मरा व्यवहार करा जहाँकि पोस्ट एमरजेन्स अर्थात कपा लगेबार 15-25 दिन भितर ये घास मरा प्रयोग करा कि घास 2-4 अवस्था प्रयोग करा तेणु से भाया एक घास मरा हो क्विजाल फपिथाइल 5% EC जहाँकि मार्केट में टार्गा सुपर्ना मिलता है। यह कपा लगेबार 15 दिन पर आप लिटर प्रति 2 ml हिसाब से कि ड्रम प्रति 30 ml हिसाब से प्रयोग करूँ। ठीक सेपरी आउ एक घास मरा हो फेनोक्सा प्रफ पी इथाइल 9.3% EC जहाँकि मार्केट में हुईप सुपर्ना मिलता है। एकर प्रति पाखापाखि 250-300 ml हिसाब से या स्प्रे कराए कपा लगेबार 20-25 दिन में यह आम स्प्रे करा। ता छड़ा जो आप घास मरा को प्रयोग करते मट्टी निश्चित भाव उदार रहा दरकार अच्छी आम फ्लाट नजल या स्प्रे को व्यवहार करा एकर प्रति 150-200 लिटर पानी को व्यवहार करा। परवर्त प्रश्न पचार श्री गिरिधारी दंडसेना जेकि पचार सार माखन फल झड़ी झड़ी जाऊे
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଖନ ବା କଖାରୁରେ ଆମର ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଏବଂ ମାଇ ଫୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୁଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଠିକ୍ରେ ହୋଇନପାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ କଷି ଝଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୃତ୍ରିମ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃତ୍ରିମ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳା ନେବା, ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲର ପରାଗରେଣୁ ନେଇ ମାଇ ଫୁଲରେ ତାକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ତାପରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କୃତ୍ରିମ ପରାଗ ସଙ୍ଗମକୁ ଆମେ ସକାଳ 7-10 ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ NPK 0-52-34 ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ତା ସହିତ ମିଶାଇବା ଚମକ ଅନୁସାର। ଏହି ଚମକ ଅନୁସାରରେ ବୋରନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚମକ ଅନୁସାରକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ NPK 0-52-34 ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଚମକ ଅନୁସାର ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଆମେ ତାକୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଏବଂ ତା'ର 3 ଦିନ ପରେ ହରମୋନ୍ ଫାଣ୍ଟାକ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 0.5 ml ହିସାବରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ କଖାରୁ ଫସଲରେ ଫୁଲ କଷି ଝଡ଼ିବନି, ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।